हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के साथ अन्य कवियों के बारे में भी पढ़ेंगे। हिंदी छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। इनकी बहुत सी कृतियां हैं। उन कृतियों में प्रमुख कृतियां हैं लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, जिसमें एक इनकी एक महान रचना है जिसको कहा जाता है कामायनी। कामायनी इनके महाकाव्य है। और इस प्रकार से इनका निधन 15 नवंबर 1937 को हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे गणेश शंकर जी के बारे में। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर सन 1890 को प्रयागराज में हुआ था। इन्हें हम सतत नमस्कार करते हैं। इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई थी। ये एक निष्पक्ष पत्रकार थे। अपने अतुल देशभक्त और ओजपूर्ण के लिए इनको सदैव याद किया जाता है। इन्होंने अपनी कलम से अंग्रेजी शासन को नींव को हिला दिया था और इस तरह से इनका निधन 25 मार्च को हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक निबंध, नाटक, कविता लिखने वाले थे। इनका जन्म 9 सितंबर को हुआ था। इन्हें साहित्य के आधुनिक काल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य को लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, उत्तरार्ध भक्त काल है। इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को किया और इसके साथ साथ इन्होंने समाज को बहुत सुधारने का प्रयास किया। एक समाज सुधारक थे। इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, किंतु दुख की बात यह है कि 35 वर्ष की अल्प आयु में ही 6 जनवरी सन 1885 को इनकी मृत्यु हो गई। बड़े दुख की बात है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन को देश के प्रति नहीं दे सके। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। स्वाधीनता संग्राम में कई बार जेल भी गई थी। इनका जन्म 1904 ईस्वी को प्रयागराज के निहालपुर ग्राम में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत ही प्रसिद्ध और कर्मठ नेता भी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने के कारण इनको यह गौरव भी प्राप्त हुआ था। और इनकी रचना मुकुल, कालजयी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और इसके साथ साथ ही राजनैतिक योगदान में भी मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्य के रूप में भी आई थी। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें इनकी मुख्य रचनाएं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे, त्रिधारा इनकी रचनाएं हैं। इन रचनाओं के साथ साथ इन्होंने कुछ और भी रचनाएं की और इसके साथ साथ इन्होंने देश की सेवा भी की। और इस तरह से इनका निधन 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी को हो गया। और इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। लोग उनके जन्म के बारे में कुछ अलग अलग भ्रांतियाँ बताते हैं और इसके साथ बताते हैं कि इनका जन्म कैसे कहाँ हुआ। तो लेकिन कुछ इनके गुरु जो थे, इनके गुरु थे नरहर दास। इनके माता का नाम हुलसी था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इन्हें राम भोला कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जब ये पैदा हुए बचपन में ही राम राम करने लगे थे, इसलिए इनको राम भोला कहा जाता था। तुलसीदास जी
का जन्म 1511 ईस्वी संवत 1568 में बहुत से विद्वानों के मत के अनुसार माना जाता था। ये राजापुर बांदा जिले में पैदा हुए थे। ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। विनय पत्रिका का अन्य महत्वपूर्ण काव्य भी इनका है। इनके मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई, संवत 1680 गंग के तीर तुलसी छोड़े अपना शरीर। जय हिंद दोस्तों।